शिवपुरी में अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय एवं नशे की जानकारी देने एसपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। शिवपुरी जिले में अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय एवं नशे की जानकारी देने हेतु पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए बताया कि जिले में किसी भी व्यक्ति को अवैध मादक पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, स्मैक, चरस आदि के क्रय विक्रय अथवा नशे की जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 7094-1234-34 पर सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी एवं सूचना सही पाए जाने पर 5,000 से 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2024 में अब तक 5,96,00,000 रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थ को जब्त किया गया है। जी हां, गत वर्ष की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस शिवपुरी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों को दर्शाती है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष की तुलना में हम लोग कहाँ पे हैं। हमेशा हम तुलना एक आधार लेकर के करते हैं कि पहले कितनी कार्रवाई हुई और अब कितनी कार्रवाई हुई है। तो एक प्रश्न नोट आपके सामने होगा दूसरे वाला, जिसमें गत वर्ष के जो जब्तियाँ हुई है उनकी मात्रा कितनी है और उनका मूल्य कितना है, इस पर है। यदि हम बात करें अवैध शराब की, तो 20,000 लीटर अवैध शराब जब्त हुई थी गत वर्ष। इस वर्ष इसी अवधि में जो 7 माह की अवधि है उसमें 2,53,000 लीटर शराब जब्त हुई है, जिसका बाजार मूल्य 1,21,00,000 रुपए है। इसी प्रकार गांजा गत वर्ष 14 लाख रुपए था, 14 किलोग्राम था, माफ कीजिएगा, और उसका मूल्य 3 लाख रुपए। इस साल 94 किलोग्राम जब्त हुआ है, मूल्य लगभग 44 लाख रुपए है। स्मैक की हम बात करें तो इसी अवधि में गत वर्ष 295 ग्राम स्मैक जब्त हुई थी, इस साल हम लोग 410 ग्राम स्मैक, इसका मूल्य 82 लाख रुपए जब्त कर चुके हैं। चरस गत वर्ष हम जिले में नहीं पकड़ी गई थी, इस वर्ष 17 किलोग्राम चरस पकड़ी गई थी, आप सभी को पता है, बिहार से तस्करों को पकड़ा था, जिसका बाजार मूल्य 3,49,00,000 रुपए था। यदि जितने भी हम नशे के संगठित अपराध हैं इसके खिलाफ टोटल कार्रवाई को आप देखा जाए तो नीचे महायोग लिखा है, गत वर्ष सारी सीजर मिला करके इसी अवधि में लगभग 69 लाख रुपए थे और इस वर्ष 5,96,00,000 रुपए के सीजर हैं, जो लगभग 8 गुना है गत वर्ष से। इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम शिवपुरी को पूर्ण तरीके से नशे से मुक्त करें। तो एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, प्रश्न नोट में आप देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर हम लोग चालू कर रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर सीधा मेरी निगरानी में रहेगा, मेरे कार्यालय में रहेगा, मेरा ही स्टाफ इसको मॉनिटर करेगा। कोई भी व्यक्ति जिसको सूचना है कि किसी भी प्रकार की ड्रग्स, चाहे वो गांजा हो, चाहे अफीम हो, चाहे कोकेन हो, हीरोइन हो, या स्मैक हो, या अन्य कोई आजकल जैसे इंजेक्शन के थ्रू भी नशे लिए जाते हैं, तो कोई भी यदि ड्रग्स का नशा कोई ले रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसकी जानकारी इस नंबर पर कॉल करके SMS से और WhatsApp से दे सकते हैं। 100% उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। मेरी डायरेक्टली जो टीम्स हैं, विश्वसनीय टीम्स, वो उस पर एक्शन लेगी और यदि सूचना सही पाई जाती है तो 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी उसमें दिया जाएगा, यदि वो विश्वसनीय सूचना निकलती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस हेल्पलाइन नंबर को आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको प्रचारित करें। हम लोग भी इसको प्रत्येक थाने में प्रत्येक चौकी में इस नंबर को चस्पा कर रहे हैं। स्कूल्स में भी हम लोग इस नंबर को बांटेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये नंबर पहुंच सके। जितने इनपुट हमारे पास आएंगे उतनी ही अधिक कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे और शिवपुरी को हम सब मिलके नशे से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।